भाई मैंने आज वीकेंड का वार देखा, संडे का। और सलमान खान ने भाई सही नहीं करा, एलविश को भाई रुला दिया। और एलविश पता है क्यों रोया? ये नहीं कि सलमान खान उसको डांट रहा था, इस चक्कर में उसने लाइव वीडियो कॉल में बात करवा दी सलमान खान ने उसकी मम्मी से, तब जाके वो इमोशनल हो गया। क्योंकि यार इतने दिन अगर तुम इतने टाइम बाद अगर तुम मतलब अपने घर वालों का चेहरा देखोगे तो कोई भी इमोशनल हो जाएगा ना। वो एलविश यादव ना बहुत ही स्ट्रांग है, और उसने सलमान खान ने एलविश की इतनी इंसल्ट कर दी ना स्टार्टिंग में कि तुम्हारी आर्मी या आर्मी और बॉर्डर पे आर्मी ऐसे ऐसे। तो भाई वो हिंदू एकता को बहुत पहले से आगे लेके चलता है, और इंडियन आर्मी के लिए भी उसने पहले बहुत वीडियोस में अच्छा बोला है। ठीक है, तुम किसके आगे बोल रहे हो चीज जो ऑलरेडी बाहर ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम करके बैठा है, तुम उसके आगे ये चीज बोल रहे हो? थोड़ा शर्म तो करो। और उसने क्या गलत बोला एल्विश में, जब बेबी का अकेले बोला था, जब फुकरन शान और मनीषा जितनी भी चलो बातें बना के हंस रहे थे, कुछ गलत बोला था? बेबी का ये बोल रही थी कि तेरे दांत तोड़ दूंगी, तू बाहर मिली हो, मैं तुझे तुझे मैं बाहर बताऊंगी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। भाई वो एल्विश ना स्टैंड लेके ही बोल रहा है, ठीक है, वो उसको भाई मानता है फुकरन शान को। उसने क्या गलत बोल दिया कि हम भी देख लेंगे बाहर मिल, तो भाई देखेगा। सलमान खान ने उस पॉइंट को नोटिस क्यों नहीं करा? उस बारे में कुछ बोला बेबी का? उसने इस बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। बोलता ना एक तरफ क्यों बोला, दूसरी तरफ क्यों नहीं बोला? पैसा आ रहा है क्या बेबी का? पापा से तेरे को पैसा मिल रहा है क्या मोटा? हाँ, बोलने का कि भाई मेरी बेटी के बारे में इस वीक तेरे कुछ नहीं बोलना है? उसने तो इतना गंद गंद कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी, चप्पल मारूंगी। एक लड़की किसी लड़के के लिए ऐसा बोलती है, अच्छा लगता है? और तू ये बोल रहा है कि सलमान खान की तुम जैसा ऐसी चीजें बोल रहे हो, तुम्हारी स्लैंग इतनी गंदी है कि इतनी गंदी गंदी बातें एक लड़की के लिए बोल रहे हो, और बाहर ऐसी हरकतें जा रही है, क्या गलत है भाई? जब एक लड़की नहीं सोच रही तो एक लड़का की सोचे क्यों? सोचे भाई, लड़का ही पिचता है क्यों? भाई तू भी तो एक बंदा है, तो थोड़ा सा सोचना। थोड़े से पैसे के चक्कर में क्या तू कुछ रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा है? ये मैं सलमान खान के लिए बोल रहा हूँ भाई। तो क्या गलत बोल रहा है भाई? क्या उसने क्या गलत बोला है? उसने फुकरन शान के लिए तो बोला, स्टैंड लिया उसने, ठीक है। तो सलमान खान को स्टैंड लेना आता नहीं, वो स्टैंड पता कब लेता है? जब उसको पेमेंट आ जाती है ना कि हाँ भाई इसके बारे में बुरा बोलना है, उसके बारे में अच्छा बोलना है। बेबी का तो कुछ नहीं बोला, बोलते ना मत्था ना बहुत खराब हो रहा है। मेरा मत्था नहीं, जितने भी एलविश के फैन और फॉलोइंग वाले बंदे ना, सबका मत्था खराब हो रहा है। और फिर सलमान खान अब रोस्ट हो रहा सबसे, ठीक है, सब रोस्ट कर रहे करेंगे यार। चलो ये छोड़ो, मैं भी क्या हूं, ठीक है, मैं तो कुछ हुई नहीं। बाहर जितनी ऑडियंस है सलमान को ना लपेटे में ले रही है, उसमें सोशल मीडिया में मीम्स बन रहा है इतने गंदे गंदे सलमान खान के ऊपर। क्यों भाई? एक तरफा बोल रहा है, दूसरी तरफ तो देख वो लड़की क्या बोल रही है कि तेरे को चप्पल से मारूंगी, तुझे भगाऊंगी, ऐसे करूंगी। वो भी तो गाली वाली दे रही है, वो भी तो नकंद नकंद बोल रही है। समझो ना इस बात को, बंदा बोले तो गलत, बंदी बोले तो भाई सही है। यार तुम फर्क कर रहे हो, तुम ना ये तुम ये कर रहे हो कि इसको पैसा मिल रहा है तो भाई इसके लिए अच्छा, इसके पैसे नहीं आएंगे भाई इसके लिए तो इसको तो ले लूंगा हल्ले में, बुरा बुरा बोलूंगा। सलमान खान ने ये चीज ना बहुत गलत बोल दी कि एल्विश की तो आर्मी है और बॉर्डर पे आर्मी वाले। भाई उसमें आर्मी का कुछ लेना देना ही नहीं है, आर्मी अलग होती है और हमारी बॉर्डर वाली आर्मी अलग होती है। आर्मी का मीन्स होता है जो उसकी एल्विश यादव की एक अलग से आर्मी है सोशल मीडिया वाली। भाई क्यों बेइज्जती कर रहा है सलमान खान को? बोल रहा सलमान खान तू इंसल्ट कर रहा है आर्मी वालों को, इस आर्मी से क्यों जोड़ रहा है? अलग अलग करना क्यों जोड़ रहा है भाई? सब चीज अलग अलग होती है, जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता भाई। लॉजिक है, तू
बिग बॉस ओटीटी का होस्ट है, तो सोचियो इस बात को। मैं तेरे से उम्र में छोटा हूं, मैं सारे पॉइंट पकड़ रहा हूँ, सारे पॉइंट पकड़ रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ भाई, मैं भी ऑडियंस में आता हूँ, बट अभी मैं बिग बॉस में किसी को नहीं देख रहा, सिर्फ एलविश यादव को देख रहा हूँ। तो उसके सारे पॉइंट मेरे को पकड़ में है कि हाँ भाई ये कहाँ गलत है कहाँ सही है, वो एक बार भी गलत नहीं है, ठीक है। उसने साफ साफ एक चीज बोल दी थी उस दिन कि जिस दिन जिया और कौन है वो पोपट बेबी का ये मेरे साथ अगर हुई तो मैं इनके साथ आगे तक नहीं खेलूंगा, मैं चाहूंगा कि तू खेल, क्योंकि मैं भाई वाइल्ड कार्ड बीच में से आया हूँ एंट्री से, और तू यहाँ रहा है तो तेरा बनता है जीतना, मेरा नहीं बनता। भाई इतनी बड़ी बात बोल दी थी ना उसने, और बाहर रील्स में इतना ट्रेंडिंग। पता है सलमान खान इससे क्यों खिलचता है, क्योंकि सलमान खान है फ्लॉप एक एक्टर, ठीक है, और उसकी सारी मूवी नहीं चलती, और एलविस ट्रेंडिंग पे काफी जहां जहां जाता है मीटअप पे वो उसे पता लग गया, तो वो उसे डाउन करना चाह रहा है। पर भाई तेरे इस हरकत से ना वो डाउन नहीं होगा, वो और अप जाएगा, वो और बढ़ेगा, ठीक है। और अभी जो सलमान खान जी आपको जो गालियां पड़ रही है ना कमेंट में, तो आप झेलना, वो हम ही देंगे, वो जो लोग उसकी आर्मी जो आपने बोला था ना आर्मी की उसकी जो बेइज्जती कर दी आपने वो देंगे, और वो ऑफेंड हो चुके हैं, ठीक है। आपने जो टीवी में जो बेइज्जती कर दी वो कर दी, आप अगर दोनों को बोलते कोई दिक्कत नहीं होती, आपने एक तरफा बोल दिया, वो गलती कर दी। अगर आप बेबिका को भी बोलते तो बनता था, पर आपने पॉइंट कर दिया पूरा एल्विश को, फिर उसकी मम्मी को दिखाया, वो सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके बाद वो रो रहा है, और कोई फैन नहीं देखना चाहेगा कि उसका इंस्पिरेशन जो बंदा है वो रोए, कोई नहीं देख सकता भाई। हम उसको फॉलो करते हैं, मैं तो अधिकतर व्लॉग्स में बहुत ज्यादा उसको कॉपी करने लग गया भाई, मैं तो हूँ कॉपीकैट, मेरे को अच्छा लगता है दिल से भी और वैसे भी, ठीक है। हम भी क्योंकि वैसे ही बंदे हैं, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि उसकी मेरी चीज बहुत सेम है, मुंह पे बोलने वाली चीज बहुत चीज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा बंदा है और हम भी ऐसे हैं, नहीं भाई। जो बाहर उसने अच्छा अच्छा काम करा ना वो आपको कभी नहीं, और ना आपने वो चीज कभी उसकी देखी ना बोली, ठीक है। गुस्सा में चढ़ रहा है, पता है ये हरकत सलमान खान कैसे कर सकता है, मतलब यार बॉर्डर वाली आर्मी को इस आर्मी से कैसे जोड़ सकता है भाई, तो खुद सोचना यार सलमान खान, तू बच्चा है क्या, इंसल्ट कैसे कर सकता है बॉर्डर की आर्मी को। वो हिंदू एकता को ना बहुत बढ़ावा देता है, और उसी से ना आज गाड़ियों के पीछे हिंदू स्टिकर लगा है, कोई नहीं लगाता था हिंदू स्टिकर, और उसकी गाड़ियों के पीछे ना हिंदू स्टिकर मिटाया लोगों ने, ठीक है। और तुम्हारी कौम के ही है बंदे, अब बोलूं तो ओपनली, अरे एक किस चीज में पॉइंट कर रहे हो भाई तुम, छोड़ो यार छोड़ो, वीडियो कर रहा हूं एंड, वीडियो चाहे आज बड़ी हो चाहे लंबी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, पर आज भाई बिग बॉस में बहुत गलत हुआ है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात, जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसको हम देखते हैं एल्विश को, अगर उसके साथ कोई ऐसा करे ना, देखो मैं बताऊं वो अपनी जगह सही था भाई, मैं भाई अगर गलत होगा तो मैं बोलूंगा, अगर वो गलत होगा तो भाई मैं बोलूंगा वीडियो में, हाँ भाई गलत है, और वो अपनी जगह सही था। उस मोटी ने भी वो हरकत करी थी तो उसने भी करी, तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी, सजा एक ही को मिली एल्विश को, मोटी को नहीं मिली, मोटी का मतलब बेबी का, मैं मुंह बोलूंगा भाई, ठीक है। और मैं क्या अभी रास्ते ही ना रोस्ट बनना स्टार्ट होंगे, जिया पूजा भट्ट भी, पूजा भट्ट पलटू सान है भाई, पूजा भट्ट ने तो अविनाश जिया और वो मोटी बेबी का इनके साथ टीम में आ गई, पहले तो उनके साथ घूमती थी एल्विश, नहीं छोड़ दिया पलटू, महेश दल्ले महेश समझ जाओ, तो उस पार्टी की है ना भाई वो, तो अपना रंग रूप तो आप धीरे धीरे दिखा रही है। और मनीषा से कैसे बात करती है पूजा भट्ट आपको पता है, आपने सलमान खान जी वो नहीं बोला, बोलना चाहिए था ना, नहीं बोला, वीकेंड के बारे में आपको ज्यादा पैसे मिल गए तभी आपने एल्विश को ऐसा से बोला,
पर कोई नहीं, कमेंट में आप झेलना, आपको जो अब मिलेगा और आपके ऊपर जो रोस्ट बनने वाले हैं। ट्विटर के लिए भी आपने बोला कि ट्विटर में ट्रेंडिंग, भाई क्यों जा रहा है ट्रेंडिंग? ट्रेंडिंग का मतलब पता है, ट्रेंडिंग का मतलब भाई होता है जो आसमान छू दे वो आसमान पार कर देगा मेरे भाई, और कर रहा है। देखो ट्रेंडिंग का मतलब भाई होता है जो अच्छा कर रहा होता है, अच्छे से गेम खेल रहा होता है और गेम को समझ के उसको आगे तक लेके जाता है, इसीलिए वो ट्रेंडिंग तक जाता है, ठीक है। और उसमें वो बात है, ठीक है भाई। तो सिस्टम है, सिस्टम ये है वो सिस्टम, और जीतेगा एलविश, वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा, वरना वो ऐप ना ऐसी हैंग हो जाएगी ना, मैं सही बता रहा हूं, बंद कर देंगे भाई। को मुझे किसी का नहीं पता, पर जीतेगा तो एलविश भाई, शोरूम है, एक तरफा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो अगर गलती दोनों की है तो दोनों को बोलो, पर तुमने सारा गुस्सा एलविश के ऊपर निकाला है, वो भी ऑन टीवी, तो उसके बाद जो उसकी फैन और उसकी आर्मी, जो आपने बोला था ना आर्मी, जो वो करेंगे ना वो आर्मी करेगी अब, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, अब वो आर्मी पे छोड़ दो, वो आर्मी करेगी, अब वो एक्शन आर्मी लेगी। कमेंट पढ़ना, और जो आपने ट्रेंडिंग बोला था ना वो ट्रेंडिंग और बढ़ेगा, वो ट्रेंडिंग हैशटैग #1 चल रहा था ना वो 1 पार कर देगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिसके फॉलोवर ज्यादा जल्दी तेजी से बढ़ते हैं ना, तो समझ जाना उसके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। इतना ही था, बिग बॉस की OTT न्यूज लेके आया हूँ, थोड़ी छोटी थी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मेरा एग्रेशन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर जिसको हम पसंद करते हैं उसको अगर ऐसे तुम रुला दो बिना फालतू बिना किसी वजह के, तो हम भी थोड़ा सा इंसान है भाई, हमारा भी दिल है, तो फिर अंदर से ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई क्या कर दिया, क्या ऐसे क्यों बोला इसे। और बस वही चीज है कि छोड़ो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, आगे कुछ ऐसी और हरकत होगी तो भाई लेके आऊंगा न्यूज, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक करके जाना, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी, और सिस्टम मचा दो और एलविश को वोट दे देना भर भर के, ठीक है, बस मुझे यही देखना है, भर भर के वोट, और निकलने मत देना एलविश को भाई, एलविश ही जीतेगा, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। इस बिग बॉस के घर में ना 3 लोग बहुत बुरे लगते मुझे, बहुत, पूजा भट्ट, जिया और मोटी बेबी का, मजाक छट के मुझे ये 3 लोग ना इतने बुरे लगते हैं ना। और अभी पूजा भट्ट ना अपना रंग दिखा रही है, अपना रंग दिखा रही है बहुत गंदा, वहां बैठती है बेबी का और उनको सारी बातें बताती है, और फिर इतनी गंदी गंदी चीजें बोलती है। तू सलमान खान भाई, वो भी तो आगे बोल कि वो भी तो कुछ गंदा गंदा बोलती है, तो उसको भी थोड़ा सा पॉइंट करो ना यार, ये नहीं कि तुम एक ही बंदे को पॉइंट करोगे। अगर एलविश अपनी पे आ गया ना, किसी की नहीं सुनेगा फिर, वो तुम्हारी भी नहीं, किसी की भी नहीं, बस अभी थोड़ा चुप होकर खेल रहा है, और जीतना वही है भाई। एलविश ने एक चीज बोली थी कि भाई मेरी आर्मी ने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है, वो एलविश को नहीं पता, पर उसकी आर्मी ना बाहर उसके लिए इतना प्यार है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, और ज्यादा बढ़ गया है, तो जब बाहर आएगा ना तब पता लगेगा कि हाँ भाई मैं सही था, और भाई वो सही है, ठीक है। बस सलमान खान ना थोड़ा सा बिकाऊ है, मैं तो भाई साफ बोलूंगा बिकाऊ, ठीक है, ये सिंपल सी वर्ड है। जब सलमान खान समझा के गया, उसके बाद जिया पूजा भट्ट से क्या बोल रही कि एलविश उस दिन मेरे को ये बोल रहा था कि आपने उस दिन हमारे साथ मतलब बैठी हुई थी, तो फिर आपने उनको जाके बातें बता दी, तो फिर ये बोल रही ये जिया पोपट की, भाई इसका नाम पोपट ही है जिया ना, जिया उससे बोल रही कि आपको इतनी भी मतलब उससे बोल रही पूजा भट्ट से कि आपको इतनी भी गुनिया शर्म, आप मतलब मैं वहां खड़ी हूँ ऐसा, आप इतनी इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही हो। तो बहन एक बात सुन, ठीक है, जिस दिन फुकरान खान को वो ये बोल रही थी ना मोटी बेबी का पोपट कि तेरे मुंह पर चप्पल दांत वात तोड़ दूंगी, उस दिन कहा थी तू, उस दिन ही बोलती कुछ, उस दिन बोलती ना कुछ, तू भी तो औरत है, क्या हो गया? ये ना बहुत गंदे तुम दोगले बंदे हो तुम, ये जिया एक वाइफ ना फलक, वो भी उसको भी ऐड करूंगा, जिया फलक और पूजा भट्ट और मोटी बेबी का तेले बोल रहा हूँ, तुम दोगले बंदे हो, छोड़ो यार। पूजा भट्ट ये बोल रही है फुकरान खान को कि मनीषा तो आग लगाती है और मेरे को उसके साथ बैठने में घिन आ रही है,
अबे हमको तेरी शक्ल देखने में घिन आ रही पूजा भट्ट, हम जो जैसे देख रहे हैं ना तेरे को देखते नहीं, हम फॉरवर्ड कर देते हैं आगे आगे कि हमें एलविस को दिखाओ, एलविस देखना हमें, हमें तेरे को नहीं देखना, हमें तेरे से घिन आ रही है सबको, ठीक है यार क्या हो उसके बारे में, पूजा भट्ट के बारे में। इस टाइम ना सबसे बेस्ट ग्रुप पता किसका है, फुकन सन, मनीषा, आशिकी भाटिया और एलविस, यही जाएंगे आगे, तुम नहीं जाओगे आगे, ठीक है, तुम्हारी औकात भी नहीं इतनी आगे जाने की। और हाँ एक और बात, वो जो तू टेबल के नीचे फोन यूज करते थे ना, वो आ गया यहाँ पे हर जगह, वो पूरा सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, सब जगह फैल गया। जो आपके पापा महेश उन्होंने जो स्क्रिप्टेड दे दी ना, वो तगड़ी वाली, वो हर जगह फैल गई। और एक और बात, एलविस पता क्यों रोया है, क्योंकि उसकी मम्मी को दिखाया बस वो वहां। अगर तुमने पता क्या कर दिया, अगर तुम मंडे को दिखाते ना उसकी मम्मी को तो सही था, तुमने एक तो उसको डांटा बिना कोई वजह के, कि उसकी गलती भी नहीं थी, गलती उस मोटी की भी थी, पोपट की बेबी का, उसको कुछ नहीं बोला। तो जो इंजाम उसके थे ना बेबी का के, उसको तो कुछ बोला नहीं, बट सारी गलती किसकी निकालती, एलविस की। फिर उस पॉइंट में उसको दिखाते उसकी मम्मी को, फिर सलमान खान बन गया हीरो। मतलब आपको समझ नहीं आएगा, पहले डांटा फिर बना बुरा, फिर उसकी मम्मी को दिखा दिया, फिर बन गया लोगों के आगे अच्छा। तो भाई ये दोगला पन्ना कहीं और दिखाना, ठीक है, हम लोग पकड़ लेते हैं इस चीज, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे आगे फूटे नहीं है, हम सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं। ये और ये तीन चीज होती है इंसान पे, तो यही चीज हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, दोगलापन, कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो और हम क्या देख रहे हैं। एक और चीज बोलनी है, मन बहुत हो रहा है आज सोच रहा हूं कि 20 या 30 मिनट का ना ब्लॉग कर दूं, क्योंकि आज का ये वीकेंड का वाला एपिसोड ना मत्थे में चढ़ा हुआ है भाई, और मन कर रहा है कि YouTube में लाइव आके ना अपने मन की सारी बातें बोल दूं। तुम किसी की मम्मी को ऐसे शो में लाइव दिखा के तुम उसकी मम्मी की इंसल्ट कर रहे हो, तब जाके वो रोया है कि तुमने उसकी भी इंसल्ट कर दी और उसकी मम्मी की भी इंसल्ट कर दी। तो सलमान खान थोड़ा सोचा कर यार कि क्या यार क्या बोले, छोड़ो, पर एक मम्मी की, पर तुमने एक माँ की बेइज्जती करी है भाई, ठीक है, शो में, और उसके बच्चे की, दोनों की करी है बेइज्जती।